क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डाटा गिवन है, 90 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन एंड टोलुइन का आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन डाउट स्लो को ऑबे करेगा। बेंजीन एंड टोलुइन बोथ आर वॉलेटाइल लिक्विड। एक कंपोनेंट को हमने ए कंसिडर कर लिया, एक कंपोनेंट को बी कंसिडर कर लिया। अब 90 डिग्री सेल्सियस पर हमें बेंजीन और टोलुइन के वेपर प्रेशर गिवन है। दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर गिवन है, तो प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, ये वैल्यू गिवन है हमें 1022 mm ऑफ HG। और टोलुइन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो गिवन है वो है 406 mm ऑफ HG। हमें जो फाइंड करना है, जब 90 डिग्री सेल्सियस पे डाटा गिवन है, फाइंड करना है हमें सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। टोलुइन का मोल फ्रैक्शन भी अननोन है, तो एक्स बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 - x। साथ ही हमें ये भी गिवन है कि 90 डिग्री सेल्सियस पर ये मिक्सचर बॉयल हो रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड मिक्सचर का या लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस पर जब ये मिक्सचर बॉयल होगा तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और वो वैल्यू 1 atmosphere गिवन है, इट मीन्स 760 mm ऑफ HG। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वी नो दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड इज गिवन बाय एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। नाउ इन दिस क्वेश्चन पी टोटल 760 mm ऑफ HG, एक्स ए फाइंड करना है, पी नॉट ए 1022 mm ऑफ HG, एक्स बी भी अननोन है, इसको मैं पुट कर सकता हूँ 1 - xA, पी नॉट बी की वैल्यू 406 mm ऑफ HG। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट एक्स ए इज इक्वल टू 0.574, और एक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, और ये हमें फाइंड करना था, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज थर्ड। तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी चैप्टर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डाटा गिवन है, 20 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिवन है। इस सॉल्यूशन को जब इवेपोरेट कर रहे हैं तो जो रेजिड्यू फॉर्म हो रहा है उस रेजिड्यू का वेट गिवन है 0.967 ग्राम। अब मेन पॉइंट तो ये है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे, ड्राई करेंगे, तो जो रेजिड्यू मिलेगा डेफिनेटली वो कॉपर सल्फेट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन में इतना ग्राम कॉपर सल्फेट प्रेजेंट था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 20 ml, और हमें ये फाइंड करना है कि सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या थी। तो हम ये जानते हैं सिंपल सा कंसेप्ट, मोलारिटी जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर हम यहां देखें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का वेट यहां पर 0.967 ग्राम है, तो वेट इज 0.967 ग्राम। कॉपर सल्फेट का जब मॉलिकुलर वेट आप फाइंड करेंगे तो आएगा 159.5। तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब इतना जो सॉल्यूट यहां प्रेजेंट है वो 20 ml सॉल्यूशन में है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 0.303, दिस इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 4th।